कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट स्पॉन सीड्स इन माइनक्राफ्ट, जो कि यार हमारे पॉकेट एडिशन और बेडरॉक एडिशन के लिए होने वाले हैं। और भाई ये सारे सीड इतने ज़्यादा अमेजिंग है कि यार तुम्हें इनके स्पॉन पॉइंट पे ही कभी कभार एंशिएंट सिटी, तो कभी कोई डेजर्ट टेम्पल या फिर कोई तुम्हें यार डेजर्ट विलेज तक देखने को मिल सकता है। तो बड़ा टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले सीड का जो स्पॉन पॉइंट है वो कुछ तुम्हें इस टाइप का देखने में लगेगा, जो कि यार एकदम सिंपल सा स्पॉन पॉइंट है और चारों तरफ तुम्हें डेजर्ट बायोम देखने को मिल रही होगी। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुम्हें भाई थोड़ा बहुत ग्रीनरी देखने को मिलेगी पीछे की तरफ को, और यहाँ तुम्हें सवाना बायोम तक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ तुम्हें भाई स्पॉन पॉइंट पे एक डेजर्ट टेम्पल देखने को मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है शुरुआत में। तो भाई इसे फटाफट से मैं लूटता हूँ और तुम्हें इसकी एक बार लूट भी चेकआउट कराता हूँ, ताकि तुम्हें भी अंदाजा लग सके कि जो सीड है कैसा है। बाकी यार देखो, मैंने तुम्हें स्पॉन सीड बात करी थी, तो इसका जो स्पॉन पॉइंट है ये तुम्हें कितना ज्यादा ओपी देखने को मिल गया, तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा कि तुम्हें शुरुआत में यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल तक देखने को मिल गया। बाकी अगर लूट अच्छी मिल जाए तो भाई फिर तो बहुत ही ज्यादा मजे आ जाएंगे इस वाले सीड के अंदर में। बाकी अंदर चलते हैं फटाफट से। ये जो प्रेशर पेट है मैंने इसे तोड़ दिया है, और भाई अब चारों की चारों चेस्ट को मिलने के बाद चेक करते हैं। और देखो पहले के अंदर में तुम्हें भाई थोड़ा बहुत आयरन, साथ में दो सैडल देखने को मिल चुकी है, और भाई थोड़ा बहुत सैंड, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें देखने को मिल गया आयरन आर्मर। साथ में भाई यहाँ तुम्हें देखने को मिल गया भाई एक गोल्डन एप्पल, जो कि बहुत ज़रा अच्छी बात है। और ये तुम लोग शुरुआत में ले पाओगे, एक बार ज़रा इस बात को सोचो तुम लोग और कितने ज़रा मज़े आ जाएंगे तुम सबके। बाकी यहाँ पे देखो तुम्हें एक भाई इंटेंडेड बुक भी देखने को मिलेगी, साथ में यहाँ पे तुम्हें कुछ गोल्ड के इंगट्स भी देखने को मिल जाएंगे। भाई जो बुक है ये थ्रोन्स 1 की है। बाकी यहाँ पे तुम्हें जो है थोड़ा बहुत और भी भाई गोल्ड देखने को मिल जाएगा, और बोन भी देखने को मिल जाएगा, जिसे तुम लोग एज ए बोन मिल यूज़ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे नीचे भाई बहुत सारा TNT भी है, तो भाई इससे फटाफट से फोड़ देना, क्योंकि फोड़ने से मेरा मतलब है इसे अपने संग लेके चल लेना, ये तुम्हें आगे जाके बहुत सारा काम आ सकता है एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग के अंदर में। तो गाइस इतना ही नहीं है, अगर तुम लोग कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे जाते हो तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा एक डेजर्ट विलेज। हाँ गाइस, भाई जो डेजर्ट विलेज है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा डेजर्ट विलेज है, पर भाई ये छोटा है तो इसे कम मत समझना। यहाँ तुम्हें कई सारा खाना देखने को मिलेगा, एक आयरन गोलम देखने को मिलेगा, साथ साथ में तुम्हें छोटे मोटे घर देखने को मिल जाएंगे, सबके अंदर में बेड देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ तुम लोग मस्त तरीके से रह भी सकते हो। और भाई यहाँ पे विलेजर्स तो हैं ही, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। तो भाई तुम लोग मेक श्योर करना कि तुम लोग इस वाले विलेज में जरूर से आओ और इसे एक बार चेकआउट जरूर से करो। तो गाइस कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ पे तुम्हें एक माइनशाफ्ट भी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फैली हुई माइनशाफ्ट है। और भाई ये तुम्हें ना अभी देखने में बहुत ज़्यादा छोटी लग सकती है, पर ऐसा नहीं है, जैसे तुम लोग इसे एक्सप्लोर करते जाओगे ये उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो एक बार इसे ध्यान से एक्सप्लोर जरूर से करना, ताकि तुम्हें यहाँ अमेजिंग लूट भी मिल सके, और यहाँ तुम्हें कई सारे माइनकार्ट विद चेस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर से करना। बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हें लेफ्ट हैंड की साइड पे दिख रहे होंगे एकदम टॉप में, तो उन्हें एक बार ध्यान से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो लेट्स गो, आगे की चीज़ें तुम्हें एक बार जरा एक्सप्लोर कराता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो तुम्हें एक और डेजर्ट टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि भाई लास्ट टाइम वाले से बढ़िया होने वाला है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो फटाफट तुम लोग अंदर चलते हैं, और भाई देखो तुम्हें अंदर कितनी ही ज़्यादा अमेजिंग लूट देखने को मिल जाएगी। बाकी यार लूट एक बार तुम लोग चेकआउट कर लो, और यहाँ तुम्हें डायमंड तक देखने को मिल गए हैं, तो भाई तुम्हें इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। बाकी जितनी लूट है वो सारी तुम्हें एक बार मैं चेकआउट करा ही दिया हूँ, और तुम्हें सारी सारी चेस्ट की जितनी भी लूट है वो तुम्हें यहाँ दिख चुकी है। और भाई सही बता रहा हूँ, ये डेजर्ट टेम्पल भाई बहुत ही ज़्यादा पास है एक दूसरे के, तो इसे तुम लोग पक्का चेकआउट करना। अगर तुमने गलती से इसे मिस कर दिया तो भाई इसमें तुम्हारा ही घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। तो भाई चलो आगे की चीज दिखाता हूँ। तो गाइस इस वाले सीड के अंदर में तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया सा स्पॉन पॉइंट, जो कि भाई पूरा जंगल वाला स्पॉन पॉइंट है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ मैं तुम्हें बेस्ट स्पॉन सीड्स दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ का जो स्पॉन पॉइंट है इसमें भी कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर से होगा। तो अगर तुम लोग कुछ भाई इस तरफ जाओगे और तुम लोग अगर कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुँचोगे तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा एक प्लेन्स बायोम वाला विलेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेन्स बायोम का विलेज है, और यहाँ तुम्हें कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार आके इस वाले विलेज को चेकआउट जरूर से करना। बाकी जो विलेज है तुम्हें दिख रहा हो कितना ही ज़्यादा फैला हुआ है, ये माउंटेन की पीक से आते हुए नीचे तक आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो भाई इसे तुम लोग खुद ब खुद लूट करना, अगर मैं इसे लूट कराऊंगा तो भाई तुम्हें हो सकता है ज़्यादा मज़ा ना आए इस वाले विलेज को लूटने में। और भाई बाकी जितने भी विलेज हमारे होने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर में, मैं तुम्हें उनके अंदर की एक भी लूट चेकआउट नहीं कराऊंगा, ताकि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है और जो भी तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो जाए। अदरवाइज अगर मैं सारी लूट विलेज की दिखा दूंगा तो जो तुम्हारी एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता।
पर गाइस इतना ही नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे जाओगे और कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पर डिक करोगे तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी एक एंशियंट सिटी जो कि हमारी 1.19 की ब्रांड न्यू चीज थी या फिर ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर था, पर अब ये बहुत जल्दी पुराना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो भाई पूरा का पूरा सीट है ये यहीं पे खत्म नहीं होता है। यहाँ तुम्हें साथ साथ में एक माइनशाफ्ट भी देखने को मिली होगी इस वाली एंशियंट सिटी के अंदर में, तो तुम लोग उसे भी जाके लूट कर सकते हो। वहाँ भी भाई तुम्हें कई सारे माइनकार्ड विद चेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो मेक श्योर करना तुम लोग इस वाली एंशियंट सिटी को पूरा लूट करो और साथ में इस वाली माइनशाफ्ट को भी तुम लोग पूरा लूट करके ही जाओ। तो गाइस हम लोग बहुत ही जल्दी आ चुके हैं अपने थर्ड सीड पे और भाई ये जो हमारा सीड है ये एकदम तुम्हें बढ़िया सीड दिख स्पॉन पॉइंट है। यहाँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा बड़ी सवाना बायम और साथ में एक बहुत ही बड़ा भाई तुम्हें स्टोन वैली देखने को मिल जाएगी, पर भाई ऐसा ही नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे आओगे तो यहाँ तुम्हें जो है देखने को मिलेगी इस वाले सीड की पहली एंशियंट सिटी जो कि बहुत ही ज्यादा पास में है और भाई इसे तुम लोग गारंटेड लूट्स कर सकते हो। तो यहाँ तुम्हें कई सारे एंचेंटेड गोल्डन एप्पल तक देखने को मिल जाएंगे, तो एक बार आके इसे चेकआउट जरूर से करना और मैं पहले बता रहा हूँ पक्का करना, क्योंकि जो मैंने अभी तक पहले के दो सीड बताए और जो इससे लास्ट वाले सीड में मैंने तुम्हें एंशियंट सिटी बताई है ये उससे बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ तुम्हें ज्यादा लूट देखने को मिलेगी, ज्यादा इंचेंटेड गोल्डन एप्पल देखने को मिलेंगे। बस इतना ही स्पॉइलर दे सकता हूँ इस वाली एंशियंट सिटी के लिए, ज्यादा दिया तो भाई तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। बाकी फटाफट से अगर तुम लोग कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे आओगे तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा एक ट्रेजर और भाई ये बड़ी ट्रेजर है जो कि मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें बिना मैप के यहाँ पे बड़ी ट्रेजर देखने को मिल जाए। और भाई यहाँ पे तुम्हें जो है एकदम बेकार से लूट देखने को मिलेगी, बेकार नहीं कह सकता पर हाँ यहाँ तुम्हें TNT वगैरह और हार्ट ऑफ द सी देखने को मिल जाएगा जिसे तुम लोग अंडर वाटर बीकन या फिर कॉल्ड्रॉन जो भी कहते तुम लोग उससे बना पाओगे। बाकी यार ये सीड यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अगर तुम लोग कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे आते हो तो भाई यहाँ तुम्हें सवाना बायम का बिगेस्ट विलेज तक देखने को मिलेगा जो कि है भाई सवाना बायम का एक माउंटेन वाला विलेज जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहाँ तुम्हें कई सारे मल्टीपल हाउसेज देखने को मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे लिए एकदम बेटर ऑप्शन रहेगा अगर तुम लोग इस वाले सीड में आ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कई सारे घर तो देखने को मिल गए पर इनके अंदर अमेजिंग लूट भी तो होगी, तो उसे चेकआउट करना ज़रूर से बनता है, तो वो भी तुम लोग एक बार चेकआउट ज़रूर से करना। बाकी अभी रुक जाओ, सीड खत्म नहीं हुआ है और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले वीडियो को जाके लाइक कर दो क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगती है इन सीड को फाइंड करने में और तुम सब तक पहुंचाने में, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए और अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर कर दो अगर वो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं तो। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ इन कोऑर्डिनेट्स पे देखने को मिलेगा एक प्लेजर आउटपोस्ट और ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में देखने को मिल जाएंगी सब चीज़ें। और भाई यहाँ पे जो है तुम्हें प्लेजर आउटपोस्ट के जस्ट पीछे एक रूट पोर्टल देखने को मिल रहा होगा जिस पर हम लोग थोड़ी देर में बढ़ेंगे, पर प्लेजर आउटपोस्ट की लूट भाई कुछ इस टाइप की होने वाली है जो कि एकदम डिसेंट लूट है और तुम लोग इसे ले सकते हो, ये तुम्हारे काम ही आएगी। और यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग लूट पोर्टल पे, तो इसके अंदर तुम्हें गोल्डन ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में कई सारी गोट देखने को मिल जाएंगी जो कि भाई बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है मेरे को माइनक्राफ्ट के अंदर में, पर यहाँ तुम्हें कई ज़्यादा देखने को मिलेंगी तो तुम लोग इन्हें भी चाहो तो टेम कर सकते हो। और साथ साथ में तुम्हें इसके जस्ट पीछे देखने को मिलेगा इस वाले रून पोर्टल का चेस्ट जहाँ तुम्हें एकदम छोटी मोटी लूट देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत आर्मर के पीसेस देखने को मिलेंगे और ये सारे तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। गाइज यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, साथ में जाके चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मैं तुम्हें मिलूंगा ऐसी अमेजिंग वीडियो में। चाहो तो भाई तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ तुम्हें मैं सारी वीडियोस की जितने भी स्नीक पिक्स होते हैं वो मैं तुम्हें एक दिन पहले ही प्रोवाइड करा देता हूँ कि नेक्स्ट जो तुम्हें कौन सी वीडियो देखने को मिलेगी, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी यार कर लो फॉलो और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।